गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ पवार सर, आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। बेटा आज हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बॉटम पे, हॉरिजॉन्टल पे और टॉप पे वेलोसिटी निकाल ली थी। अब ये मान लो कि पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है, थोड़ा पार्टिकल बराबर वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए बॉटम से कितने वेलोसिटी से जाएगा, हॉरिजॉन्टल से कितनी वेलोसिटी लेगा और टॉप पोजीशन पे कितनी स्पीड पे रहेगा, ताकि वो जस्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करें। अब ये देख लेते बेटा, पार्टिकल जैसे ही बॉटम से जाएगा तो वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 5rg रहनी चाहिए। यहां पर r क्या है बेटा, r यानी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, g क्या है आपका एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो g की वैल्यू रहती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 5rg इतनी अगर बॉटम पे वेलोसिटी है तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेगा वर्टिकल प्लेन वाली। क्लियर। अब ये पार्टिकल गया मान लो यहां पर, यानी कहां पर गया, हॉरिजॉन्टल पे। अब इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, अंडर रूट ऑफ 3rg। जैसे ही ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से होते हुए टॉप पे जाएगा तो टॉप से जाते समय उसकी वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ rg होना चाहिए। तो बेटा ये डेरिवेशन आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिए, पिछला वीडियो आप देखना, उसमें हमने बॉटम पे, हॉरिजॉन्टल पे और टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी के फॉर्मूले डिराइव किए थे। ये फॉर्मूले आपको एंट्रेंस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, जेई में, नीट में न्यूमेरिकल्स के लिए इस्तेमाल होंगे। अगर बेटा पार्टिकल अपना इनी पोजीशन पे चला गया मान लो, अब ये मान लिया एंगल थीटा, अब आपका पार्टिकल एट इनी पोजीशन है, तब उसकी वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए ये आज हमें डिराइव करना है। आज के हमारे वीडियो का पर्पस क्या है, तो आज के वीडियो का पर्पस है कि फाइंड द वेलोसिटी एट एनी एंगल थीटा व्हेन पार्टिकल परफॉर्मिंग द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्लियर बेटा। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो उसका फॉर्मूला आना चाहिए अंडर रूट ऑफ rg 3 + 2 cos θ। तो बेटा ये फॉर्मूला रहेगा वेलोसिटी एट एनी एंगल थीटा का, ये हो गया आपका cos थीटा। अब हम लोग इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो आपको एक चीज याद रख लेना है, आपको 4 फॉर्मूले याद रखना है, बॉटम पे वेलोसिटी इतनी, हॉरिजॉन्टल पे वेलोसिटी इतनी, टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी इतनी एंड वेलोसिटी एट एनी एंगल थीटा, वो ये। इस फॉर्मूले से ये तीनों फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। आप वैसे चाहे तो इससे ये भी बना सकते हो, या तो इन्हें डायरेक्टली याद भी रख सकते हो। अब बेटा हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। अभी हम इस फॉर्मूले को डिराइव करने जा रहे हैं। इस डेरिवेशन में डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। जैसे यहां पे मैं डायग्राम बना रहा हूं, सेंटर ऑफ द सर्कल ये रहेगा अपना बेटा, ये सेंटर से बॉटम तक ये क्या है अपना रेडियस कैपिटल आर, ये कैपिटल आर हो गया रेडियस, समझाया तक आपको। अब ये पार्टिकल मान लो यहां कहीं तो भी चला गया एट एनी एंगल थीटा, यहां से यहां तक थीटा एंगल परफॉर्म किया बेटा, ये अगर रेडियस आर है तो ये भी तो आपकी रेडियस आर ही है। क्लियर यहां तक। अब हम लोग यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब ये एंगल थीटा है, ये एडजेसेंट साइड है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये क्या बनेगा मेरा आर कॉस थीटा, यहां पे मैं लिख लेता हूं आर कॉस थीटा, ये वाला लेंथ हुआ बेटा, आपको डायग्राम बराबर दिखना है, ये हो गया मेरा आर कॉस थीटा, जबकि यहां से लेके यहां तक ये वाला डिस्टेंस ये है मेरा आर। अब जब ये पार्टिकल बॉटम से यहां पर गया तो पार्टिकल कितना हाइट कवर कर रहा है, सो हाइट हो गया बेटा मेरा एच। सो आप बराबर डायग्राम में अभी फोकस करना, ये है मेरी हाइट एच, यानी क्या, यहां से लेके यहां तक की जो हाइट आ रही है वो ये आ रही है एच, ये क्या है बेटा
आर, ये क्या है बेटा, आर कॉस थीटा। तो आप मुझे बताओ आर में से अगर आर कॉस थीटा चला जाएगा तो बचेगा अपना एच, सो एच इज नथिंग बट आर माइनस आर कॉस थीटा। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आपका डेरिवेशन एकदम सिंपल है। तो ये हो गया बेटा अपना आर, ये हुआ आर कॉस थीटा, ये हो गया आर। सो आर में से आर कॉस थीटा जाएगा तो आपका एच बचेगा। यहां तक क्लियर? ये एक बार आ गया तो आपका डेरिवेशन एकदम सिंपल है। अब अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा व्हाट इज मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। टोटल एनर्जी उतनी ही मिलती है बॉटम पे, उतनी ही मिलती है हॉरिजॉन्टल पे, उतनी ही मिलती है टॉप पे। अभी मैं ये पॉइंट को कह दूंगा बॉटम, इसको कह दूंगा एनी एंगल थीटा। तो बेटा यहां की टोटल एनर्जी और यहां की टोटल एनर्जी दोनों को इक्वेट कर दो अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी टोटल एनर्जी एट बॉटम इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा। ये अप्लाई किया मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब टोटल एनर्जी यानी क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम। और बेटा टोटल एनर्जी यानी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कहां की, एट एनी एंगल थीटा। मैंने यहां का पोटेंशियल प्लस काइनेटिक लिया, वैसे ही मैंने यहां का भी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक लिया, यहां पे लिख दिया मैंने। अब बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वेयर एट बॉटम, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वेयर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच। मैंने ये किया कि यहां का काइनेटिक पोटेंशियल ले लिया, वैसे मैंने यहां का भी काइनेटिक पोटेंशियल ले लिया। काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वेयर, पोटेंशियल का फॉर्मूला एम जी एच। क्लियर? अब देखना बेटा, अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन ले रहा हूं, अगर मैंने इसको मान लिया रेफरेंस लाइन, तो यहां पे हाइट कितनी हो गई, जीरो। तो ये वाला हाइट हो जाएगा जीरो, तो ये वाला टर्म हमारा जीरो बनेगा। ये हो गया बेटा एम, एम को देख लो आप, एम हर तरफ है तो एम कैंसिल हो जाएगा, यहां पे भी है एम। अगर एम वाला टर्म हर तरफ आ रहा है सो एम सभी तरफ से कैंसिल हो जाएगा, यहां से कॉमन निकलेगा, यहां से कॉमन निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 है तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 कैंसिल, यहां 2 से मल्टीप्लाई किया 2 कैंसिल हो गया, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 आ जाएगा। समझ आया तक? अब ये क्या बचा बेटा, वेलोसिटी एट बॉटम का स्क्वायर प्लस ये एम जी एच, हाइट एट बॉटम, बॉटम पे हाइट कितनी है, जीरो, तो ये जीरो हो गया। इक्वल टू बेटा ये वेलोसिटी एट एनी एंगल थीटा, यानी यहां की वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी एंगल थीटा। अब ये प्लस ये क्या है बेटा हमारा 2g। नाउ व्हाट इज द एच, एच इज द हाइट एट एंगल थीटा, तो ये वाला हाइट एट एंगल थीटा है। तो बेटा एच का फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है आर माइनस आर कॉस थीटा, तो इसको लिख लो आर माइनस आर कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? हम सिंपल कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं। टोटल एनर्जी एट बॉटम इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा। टोटल एनर्जी लेना पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, यहां पे हाइट जीरो है, यहां पे हाइट एच है, यहां काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, यहां काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ बेटा जब पार्टिकल यहां से जाता है तो बॉटम पे वेलोसिटी क्या रहती, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द बॉटम क्या रहता हो, अंडर रूट ऑफ 5rg। ये फॉर्मूला आपने पहले ही पढ़ लिया है बेटा। अगर स्क्वेयरिंग कर दो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, सो वेलोसिटी एट बॉटम का स्क्वेयर इक्वल टू ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा 5rg बचेगा, वेलोसिटी एट थीटा का स्क्वेयर इक्वल टू। समझा इतना? अब इसको हम लोग यहां पे इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पे आ जाएगा अपना 5rg, बराबर ध्यान बनाए रखना, वेलोसिटी एट थीटा का स्क्वायर प्लस ये हो गया बेटा 2rg माइनस 2rg कॉस थीटा,
बराबर ध्यान बनाए रखना, अभी हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होगा। बेटा ये हो गया 2RG, ये हो गया 5RG, सो बेटा 5 में से 2 चला गया, ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा, 3RG इक्वल टू, यहां तक क्लियर है सबको। अब ये वेलोसिटी एट थीटा का स्क्वायर प्लस ये माइनस 2RG cos थीटा, यहां तक स्टेप सभी को क्लियर है। अब हमारा टारगेट क्या है बेटा, हमारा टारगेट था वेलोसिटी एट एनी एंगल थीटा निकालना, तो अभी वेलोसिटी एट एनी एंगल थीटा का स्क्वायर ठीक है इक्वल टू, अब देखो बेटा इसको ये माइनस में है, इसको इस तरफ लेके जाओगे तो प्लस में आ जाएगा, ये माइनस वाला इस तरफ लेके चले जाओ तो 3RG, ये वाला 3RG माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो प्लस क्या आएगा 2RG cos थीटा, ये ऐसे ये वेलोसिटी एट एनी एंगल थीटा ले लिया, ये लिखा है मैंने 3RG और ये है मेरा प्लस, बराबर समझो बेटा आप, ये वेलोसिटी एट थीटा का स्क्वायर यानी ये वाला इक्वल टू ये 3RG, ये लिखा ये माइनस में, इसको इधर लेके गए तो वो प्लस में आ गया। अब वेलोसिटी एट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू इसमें से RG कॉमन निकाल दो, RG कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या बचा 3 + 2 cos थीटा, ये आपका ब्रैकेट में बचा। अब मुझे बताओ बेटा ये स्क्वायर है, अगर इधर स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हो गया वेलोसिटी एट एनी एंगल थीटा का फॉर्मूला, क्लियर है बेटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एंट्रेंस एग्जाम और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसी से आप अगर देख लेना इसके 3 पार्ट्स बना लेते हम लोग, बस एक 2 मिनट देखो बराबर, अगर मैंने थीटा इक्वल टू 0 रखा तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो अगर मैंने थीटा 90 रखा तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, अगर मैंने थीटा 180 डिग्री रखा तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1। अब बेटा अगर ये 0 रख दू cos 0 इज 1, तो अगर ये 1 रख देंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5RG आ जाएगा। अगर मैंने थीटा 90 रखा तो कॉस 90 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या अंडर रूट ऑफ 3RG। अगर मैंने थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रखा तो कॉस 180 की वैल्यू -1, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो यहां -1 रख दो तो ये -2 हो जाएगा, 3 - 2 यानी क्या 1, यानी क्या बचेगा वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RG। तो बेटा ये हुआ वेलोसिटी एट द बॉटम, वेलोसिटी एट द हॉरिजॉन्टल, वेलोसिटी एट द टॉप, और ये हुआ वेलोसिटी एट एनी एंगल थीटा। समझ में आया बेटा, आप लोग इस डेरिवेशन को 2-3 बार ट्राई करना और फॉर्मूलेस को आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, क्लियर बेटा। आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।